हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइशी क्लासेस में। तो आज हम क्या देख रहे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 12, वर्क वी डू। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। वर्क वी डू, दिस इज अ 12 लेसन। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे जो है एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है। यहाँ पे एक जो है फ्लावर वाली जो है बैठी है, वो फ्लावर्स बेच रही है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है खड़ा है। देन यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे जो है लेबर्स काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, और क्या है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस दिख रहा है। तो बस यहाँ पे इतना दिख रहा है हमको भी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लुक अदर डे, लाइक अदर डे, बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। तो मतलब हमेशा जैसे जाते हैं वैसे ही जो है बलबीर आज भी जो है अपना ब्रेकफास्ट करके जो है अपने दुकान पे गए टी स्टॉल पे। सो हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम। तो उसके साथ में कौन है, उसका जो है विलेज से आए वाला एक भाई है, तो वो भी उसके साथ में जो है टी स्टॉल पे आया है। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड हियर इज टूडेज न्यूज़पेपर। तो वहाँ के जो वर्कर्स है उन्होंने जो है उनको टी जो है लाके दिया, चाय लाके दी, और साथ में न्यूज़पेपर भी। ओके, हाउ डू यू स्पेंड योर बोर्ड डे सिटिंग हियर? सो डिडंट यू गेट बोर्ड, आस्क सतविंदर। सो सतविंदर से वो पूछता है उसको कि पूरे दिन आप यहाँ पे बैठे रहते हो, तो क्या आप बोर नहीं होते हो? यहाँ पे देखो और एक पिक्चर दी है, यहाँ पे पिक्चर के लेफ्ट साइड का पार्ट दिया है, हमने पहले राइट का देखा था। अब यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल दिख रहा है हमको, यहाँ पे एक स्कूल भी दिख रहा है, और टी स्टॉल के सामने ही, और गाड़ियाँ जो है आती जाती दिख रही, फ्रूट सेलर भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते आगे। ओ नो, वंस डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाई। तो वो कहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चले गया। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन, ही सेज दैट लुक एट दैट चिल्ड्रेन, सो एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल। सो यहाँ पे सामने जो एक स्कूल है, और वो बच्चे जो है दौड़ दौड़ के जा रहे हैं स्कूल में, मतलब दे आर लेट, एवरी वन इज रनिंग, सो द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे। अब उनको टीचर भी दिख रही है, वो भी जो है फास्ट जा रही है, सो शी इज ऑल्सो लेट। ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन, अरे उसकी सैंडल जो है टूट गई है, सो शी इज गोइंग फॉर जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर। तो वो कहाँ पे गई है, जग्गू भाई के पास में है, उसका एक शॉप है रिपेयर का, शूज़ रिपेयर करता है वो, तो वहाँ पे गई है। सो इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको अर्ली इन द मॉर्निंग जो है मनी मिल रहे हैं, कमाई हो रही है उसकी। सो चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। वहाँ पे एक चंपा नाम की भी स्त्री बैठी है जो अपने फ्लावर्स को बेच रही है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बॉयज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। और ये जो एक लेडी है जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है, तो वो जो है एवरी डे जो है उसके पास से वो फ्लावर्स लेती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन, तो साइड में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो है शुरू हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, ट्रक से जो है जो घर के मटेरियल होते वो आ रहे हैं। द वर्कर्स विल अगेन टू बी बिजी द होल डे, और वो जो वर्कर्स है जहाँ वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो भी जो है होल डे बिजी है। सो लुक देयर, वो उसको बता रहा है अपने भाई को, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। डॉक्टर और नर्स जो है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट, रामुलू को देखो, वो जो है अपना फ्रूट कार्ट लेके जो जा रहा है, बेच रहा है। सो दिस डे ही आल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विथ हिम, तो उसके साथ में आज कौन है, चिन्नम्मा भी है। सो चिन्नम्मा रन्स अराउंड डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी। तो चिन्नम्मा क्या कर रही है, फ्रूट्स लेके इधर उधर जा रही है, बेच रही है, और जो है मनी कलेक्ट कर रही है, ठीक है। सो नानू
बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट वोंट बिल हिज शेव. तो नानू का जो है वो बार्बर है, मतलब जो है कटिंग करता है, तो सो बट वोंट बिल ही शेव. अभी उसके शॉप में कोई भी नहीं है तो किसकी शेव करेगा. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह. तो रास्ते के बीच में जो है इकबाल सिंह खड़े हैं. थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विस्टल एंड कीप शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर बी दे हैव यू नॉट हर्ड मी टेक द कार्ट अवे. तो ये जो इकबाल सिंह है वो बीच में खड़े रहता है विसल लेके और लोगों को जो है रास्ता बताते रहता है कि मतलब व्हीकल्स आ रही है उनको रुकाना, उनको जाने देना. हाँ, ये काम जो है ट्रैफिक पुलिस का होता है. तो ये कौन है? इकबाल सिंह, ट्रैफिक पुलिस है. सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप. तो अब ये जो बलबीर है वो जो है अपना चाय पी के जो है वॉक कर रहा है नियर बाय शॉप, आजू बाजू के शॉप में. ओके, एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार. तो आपको जो है जो लोग क्रॉसिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं और वीकली बाजार में क्या होता है, वो वैसे एक एक्ट जो है बनाना है और करना है. ठीक है. सो यहाँ पे जो है लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट वॉट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. तो यहाँ पे हमने जो पिक्चर को देखा था केयरफुली, तो सब जो लोग हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं वो हमको बताना है. तो यहाँ पे जो है लेबर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इसमें, और लोग जो है कार और स्कूटर से जा रहे हैं. नेक्स्ट जो है बॉय इज टेकिंग टी फॉर कस्टमर्स, और ये जो बॉय है वो टी चाय दे रहा है कस्टमर्स को. चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग अंडर द ट्री, और चिल्ड्रेंस जो है वो जो है ट्री के नीचे खेल रहे हैं. नेक्स्ट जो है चिल्ड्रेंस रन भी कर रहे हैं स्कूल में, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं. और अ वुमन इज़ वॉकिंग टूवर्ड पोस्ट ऑफिस, और एक वुमन जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं. डॉक्टर और नर्स जो है हॉस्पिटल में जा रहे हैं. तो ये सब जो है यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है पिक्चर देख के. वॉट काइंड ऑफ अ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, आपके आसपास में जो है लोग कौन सा काम करते हैं. नेम एनी फाइव वॉट आर दिज वर्कर्स कॉल्ड. तो यहाँ पे फाइव जो है नेम लिखने हैं आपके आजू बाजू के लोग जो काम करते हैं उसके, और व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड, और उन वर्कर को क्या कहा जाता है वो भी बताना है ना. तो यहाँ पे एक जो दिया है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, मतलब ये वर्क दिया है कार और स्कूटर को रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक्स का जो है वो करते हैं. तो वैसे ही ट्रीटिंग पेशेंट, पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, तो पेशेंट को जो है डॉक्टर ट्रीट करते हैं. देन सेलिंग फ्रूट, फ्रूट कौन सेल करता है, फ्रूट सेलर. तो यहाँ पे हमको लिखना है फ्रूट सेलर लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट जो है सेलिंग आइटम इन अ शॉप, शॉपकीपर जो है. कुकिंग फूड, कौन कुक करता है फूड, कुकिंग फूड जो है कुक करता है वो जो खाना बनाने वाला होता है. ठीक है. तो ऐसे आपको बाकी के लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोज. इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दिस बिल्डिंग्स. तो वहाँ पे हमने पिक्चर में जो भी बिल्डिंग्स देखे थे तो उसको जो है हमको राइट करना है रेड से. आल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स. और ग्रीन और येलो जो है कलर यूज़ करके वो हमको बताना है कि वो बिल्डिंग्स के मतलब क्या नाम है दैट आर इन योर नेबरहुड, हमारे आसपास के नेबरहुड में भी जो है कौन से बिल्डिंग्स हैं, तो वो बताना है यहाँ पे. नेक्स्ट,
आपके आसपास में देखना है क्या है और वो लिखना है. राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम. तो यहाँ पे जो है फाइव बिल्डिंग्स के नाम आपको लिखना है और वो जो है क्या काम करते हैं वो आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल दिया है तो ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट, वैक्सीनेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन दिया है. तो जैसे स्कूल है, फिर से यहाँ पे स्कूल आएगा. स्कूल क्या करता है, स्टडी करवाता है बच्चों को. देन बैंक है, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है पैसे. देन जो है विड्रॉ भी करते हैं वहाँ से लोग. पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से जो है पोस्ट कार्ड और स्टैम्प जो है हमको पोस्ट कार्ड और पोस्ट स्टैम्प्स जो है मिलते हैं. देन होटल है फिर. तो ये आप लिख सकते हो इसको, ठीक है. इन द पिक्चर्स यू सॉ मेनी पीपल्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग. आपने देखा पिक्चर में कि बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में जो है बहुत सारे लोग जो है वो बिल्डिंग को बनाने में काम करते हैं. स्कूल इज आल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल्स वर्क. और स्कूल में भी जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे. टीचर्स है, स्टाफ है, प्यून है. सो राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, स्कूल में क्या वर्क किया जाता है उसके बारे में लिखना है. तो स्कूल में क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रन स्टडी करते हैं. पहले तो है चिल्ड्रन जो है स्टडी करते हैं. देन दूसरा क्या है, चिल्ड्रन प्ले. यहाँ पे जो है चिल्ड्रन प्ले मतलब खेलते हैं. नेक्स्ट जो है मंथली एंड ईयरली एग्जामिनेशन होती है. मतलब यहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन, ये काम जो है स्कूल में होता है. देन और प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल में प्रोग्राम्स भी होते हैं कल्चरल, तो वो है लिखना यहाँ पे. नेक्स्ट जो है एनुअल फेस्टिवल्स भी जो है वो मनाया जाता है. तो ये जो है वर्क स्कूल में. और टीचिंग होता है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है. देन आर देयर एनी चिल्ड्रेन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल. क्या आपने कभी आपके आसपास में देखा है कि कोई चिल्ड्रेन जो है वो स्कूल नहीं जाता है. वॉट आर दे डूइंग, तो वो क्या करते हैं बच्चे वैसे, इसके बारे में आपको लिखना है. ऐसे बच्चे जो है कभी होटल में काम करते हुए दिखते हैं, लेबर का काम करते हुए दिखते हैं, खेलते हुए दिखते हैं हमको, है ना. सो हाउसहोल्ड वर्क. यहाँ पे जो है दीपाली इज आल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल. तो यहाँ पे जो एक हाउसहोल्ड वर्क करने वाली लड़की है जो दीपाली है, वो जो है घर के काम करती है, तो ये स्कूल में नहीं जाती है. सो लेट अस रीड अबाउट हर, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे. सो दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. तो दीपाली जो है सबसे बड़ी लड़की है उस फैमिली में. हर फादर सेल्स वेजिटेबल, उसके फादर जो है वेजिटेबल्स का बेचने का काम करते. He live for the मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. और वो जो है वेजिटेबल्स बेचने के लिए मंडी में जाते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में. हर मदर वॉशेस यूटेंसिल इन सम हाउसेस. और उसकी मदर जो है घर घर में जाके जो है बर्तन मांजने का काम करती है. शी also leaves for work early in the morning. और ये भी जो है सुबह ही जो है मॉर्निंग में निकल जाती है काम करने के लिए. सो दीपाली कुक फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर. तो दीपाली जो है घर में जो है खाना बनाती है और अपने ब्रदर सिस्टर को वो संभालती है. शी क्लीन द हाउस एंड आल्सो वॉशेज द यूटेंसिल. घर में ही जो है घर को क्लीन रखती है और बर्तन वगैरह वो जो है वो क्लीन करती है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. और उसको जो है रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है. सो शी लिसन टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क. और जब वो काम करते रहती है तो वो गाना भी सुनती है. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर
विद देयर फादर। तो पूरे काम होने के बाद में जो है वो अपने भाइयों को लेकर जो है कहाँ पे जाती है, अपने फादर के पास में। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल। और फिर जो है अपने जो बहने हैं छोटी सुमन है और शैला, उनको स्कूल में जो है छोड़ के आती है। सो आफ्टर दैट दीपाली हेल्प हर मदर इन हर वर्क। और उसके बाद में जो है वो क्या करती है, अपने माँ को जो है हेल्प करने के लिए उसके पास में जाती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। और उसके बाद में फिर जो है दोपहर जो है वो अपने ब्रदर और सिस्टर को घर में लेके आती है। इन द इवनिंग शी प्ले विथ अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, और शाम में जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलती है। सो हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, और उसकी मम्मी जो है वो बहुत लेट आती है घर में। सो दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, और वो जो है दीपाली रात में जब माँ आती है तो वो उसको हेल्प करती है खाना बनाने में। हर फादर केम होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके पापा जो है वो बहुत लेट आते हैं रात में। सो एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड सिस्टर्स स्कूल बुक, और रात में जो है वो अपने सिस्टर्स के जो है बुक्स पढ़ने के लिए देखती है। सो शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, क्योंकि वो जो है 3 क्लास जो है पढ़ी है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to टेक केयर ऑफ हिम। तो क्या हुआ कि उसको जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके घर में जो है और एक जो भाई का जन्म हुआ था और उसको देखने के लिए उसे घर में रहना पड़ता था। सो शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, उसके बाद में उसने जो है स्टडी नहीं की। सो शी फील्स दैट रीडिंग बुक हेल्प हर टू रिलैक्स। तो उसको लगता है कि जब वो बुक्स पढ़ती है बहनों के भाई के तो उसको जो है रिलैक्स फील होता है। सो नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली, और अब जो है वो रेगुलरली स्कूल जा रही है और फिर से उसको जो है एडमिट किया है स्कूल में। सो व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, तो दीपाली जो है अपने घर में कौन से काम करती है, तो क्लीनिंग हाउस जो है क्लीनिंग का काम करती है, घर को क्लीन रखती है, और वॉशिंग यूटेंसिल जो भी बर्तन है वो जो है वो साफ करती है, और फूड भी कुक करती है, खाना भी बनाती है, और क्या करती है अपने भाई बहनों को संभालती है, और जो है भाई बहनों को संभालती भी है, और जो है वो रेडियो सुनती है, और क्या करती है अपने मदर को जो है हेल्प करती है काम में। तो ये सब वर्क जो है आपको यहाँ पे लिखना है। डू यू आल्सो डू हाउसहोल्ड वर्क, क्या आप भी घर में घर के काम जो है वो करते हो, इफ़ यस तो व्हाट, कौन से वर्क करते हो वो आपको लिखना है। तो नेक्स्ट जो है बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, हाउस होल्ड वर्क के अलावा भी कुछ और मदद करते हो घर में, इफ़ यस तो कौन सी, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटी, यहाँ पे जो है घड़ियाँ दी है और यहाँ पे डेली एक्टिविटीज दी है। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देम, तो यहाँ पे जो है वर्क भी दिया हुआ है तो वो कब करते हो आप वो घड़ी में आपको बताना है। वेकअप इन द मॉर्निंग, कितने बजे उठते हो आप वो बताना है यहाँ पे। तो अगर 6 o'clock को उठते हो तो यहाँ पे बताना है। गो टू स्कूल, कितने बजे स्कूल जाते हो आप, 7 बजे अगर जाते हो तो वो बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से रिटर्न कब आते हो, अगर 2 बजे आते हो तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर में पढ़ने के लिए कब बैठते हो तो वो लिखना है आपको, 4 बजे बैठते होंगे तो 4 बजे लिखना है। नेक्स्ट गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो, 5 बजे अगर जाते हो तो 5 बजे वो बताना है यहाँ पे। स्लीप एट नाइट, अब सोने कब जाते हो रात में, तो 9 बजे अगर जाते हो तो यहाँ पे ये बताना है आपको।
ठीक है, इस तरह से ये वॉच आपको बतानी है. वॉट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे डू, तो आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो कौन सा काम करते हैं, और वो जो है इसके बारे में जो है घर के कौन से काम करते हैं और बाहर भी जो है कौन से काम करते हैं वो बताना है. जैसे कि फैमिली मेम्बर्स है उनके नाम लिखना है और वर्क दे डू वो कौन सा वर्क करते हैं वो लिखना है. जैसे मदर है वो क्या करती है, अगर घर में रहती है तो हाउस वाइफ है, ठीक है, वो क्या काम करेगी वो लिखना है, हाउस घर के जो हाउस होल्ड वर्क है वो करेगी. देन फादर है, फादर क्या करते हैं, अगर वो सर्विस करते हैं तो यहाँ पे सर्विस लिखना है आपको. देन ब्रदर जो है स्कूल में जाता है तो वो वैसे लिखना है. तो इस तरह से जो है आपको ये चार्ट भरना है, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट जो है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके घर के फैमिली मेम्बर जो है पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो फादर लिखना है आपको यहाँ पे, वो कौन सा काम करते हैं, बैंक में है तो बैंक में लिखना है, पुलिस है तो पुलिस लिखना है, और ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. और भी घर के अगर कोई मदर भी अगर काम करती है पैसे कमाने के लिए तो वो भी लिखना है, और ब्रदर वगैरह भी कोई करते होंगे काम तो वो लिखना है. विच ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में जो कुछ लोग हैं वो काम तो करते हैं लेकिन उनको उसके पैसे नहीं मिलते, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डीड वेन दे वेयर चिल्ड्रेन, तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि वो जब बच्चे थे तो वो कौन से काम करते थे. जो है अभी के बच्चे ये काम नहीं करते हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे जब छोटे थे तो वो घर के सब काम कर लेते थे, तो कुकिंग फूड है और जो है और कौन से काम करते थे वो, कलेक्टिंग काउडंग एंड मेकिंग काउडंग केक, जो काउडंग होता है ना वो गोबर वगैरह वो उठाने का काम भी वो करते थे, और लकड़ियाँ उठाने का काम, जंगल से लकड़ियाँ लाना, और भैंसों को गाय को जो है चराने लेके जाना, ये सब काम जो है तब ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे करते थे. सरम्मा आस्क हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन, सरम्मा जो है उसने भी जो है अपने ग्रैंड मदर को यही क्वेश्चन पूछा. नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, तो वो क्या बताती है उसको कि जब मैं बच्ची थी तो मैं अपने एल्डर्स को मतलब बड़े लोगों को जो है लकड़ियाँ लाने में जो है कलेक्ट करने में हेल्प करती थी, मैं काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल विथ काउडंग, और जो है गोबर उठाने में और उसके जो है केक बनाने में और दीवारों को प्लास्टर करने में काउडंग से मैं हेल्प करती थी, बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क ऑन गोबर गैस, तो अब जो है हमारे घर में स्टोव है, गोबर गैस अभी यूज नहीं हो रहा है. द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ अवर हाउस आर जो है सीमेंटेड, और अभी जो है उनका घर भी जो है और फ्लोर भी जो फर्शी भी है आ गई है अभी, और जो है घर भी सीमेंट का हो चुका है. देर इज नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम अप जॉब दैट द हर ग्रैंड मदर डीड इन हर चाइल्डहुड, तो अभी सरम्मा को ये कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि घर सीमेंट का हो चुका है और फ्लोर भी जो है फर्शी उसमें बैठ गई है, तो ग्रैंड मदर जब छोटी थी तब उनको ये सब काम करना पड़ता था काउडंग पे, ठीक है. नेक्स्ट यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू हु एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन द चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज, तो आपने जो है आप क्या वर्क करते हो और मतलब एल्डर्स आपके चाइल्डहुड में क्या वर्क करते थे,
ये भी देखा, तो क्या चेंज दिखता है आपको? बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. सो दे पहले हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क. फाइंड आउट इफ देर आर एनी चिल्ड्रेन इन योर नेबरहुड हु आर नॉट हु आर ओवर 5 ईयर्स एंड डू नॉट गो टू स्कूल. तो जो दीपाली है वो जो है घर के वर्क करती थी, लेकिन अब जो है वो स्कूल जा रही है. तो आपके आसपास में भी अगर ऐसे 5 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसके बारे में आपको मतलब फाइंड आउट करना है. टॉक टू एनी टू चिल्ड्रेन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल. और ऐसे अगर बच्चे मिलते हैं आपको, तो उससे बात करनी है और उसको पूछना है कि आप क्यों नहीं जाते हो. नेम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, मतलब उसके चाइल्ड, वो जो लड़का है उसका नाम लिखना है. रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो क्यों स्कूल नहीं जाता है उसका रीज़न लिखना है. नेम द सेकेंड चाइल्ड, दूसरे लड़के का भी नाम लिखना है और उसका भी रीज़न लिखना है कि वो क्यों नहीं जाता है स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेसन हमारा ख़त्म हो रहा है. तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है.